खबर आसनसोल उर्दू स्पॉन्सर्ड बाय टिकमी पेंट। खबर आसनसोल उर्दू स्पॉन्सर्ड बाय रिकी एंड ब्रदर्स। आइए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। इंडिया इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से ईद के पेश की तकरीब मुनाकत की गई। तुलबा व तालबात के बीच आपसी भाईचारा को फरोग देने के लिए ही इस किस्म का प्रोग्राम मुनाकत हुआ। So they feel excited about the whole show. Thank you. रहमतों का महीना अल्लाह से बरकत। कहते हैं किसी भी पाक महफिल की शुरुआत अगर दरूद पाक से की जाए तो फल अफजल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व आला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। पता है मोहम्मद नाम ऐसा है मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। आज इंडिया इंटरनेशनल स्कूल आसनसोल ईद समारोह को आयोजित किया गया है यहाँ बच्चों द्वारा, और हर साल हम ईद के मौके पे ये स्कूल में बच्चों द्वारा प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों में हर एक धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा रहे और हर एक धर्म का हम पालन करें, हर एक धर्म का हम नियमानुसार उनके साथ साथ चलें और एक सौहार्द बनाए रखें। इसीलिए हर साल इस स्कूल में बच्चों द्वारा ईद का प्रोग्राम हर साल होता है और इसमें बहुत बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और कोई इसमें ये नहीं होता कि मैं मुस्लिम हूँ या मैं हिंदू हूँ, सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इस ईद के मौके पे मेरी सभी लोगों को शुभकामनाएं। इंडिया इंटरनेशनल स्कूल आप सब लोगों को ईद की मुबारकबाद। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 80 के काउंसलर विनोद यादव की जानिब से करीम नगर में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। काउंसलर मुंतखब होने के बाद से वो हर साल पाबंदी के साथ इफ्तार पार्टी का एहतमाम करते आ रहे हैं। अहमदुल्ला खान, मोहम्मद समीर व दीगर इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे। ये हमारे करीमनगर में जो अवतारी पार्टी किया जा रहा है, इस पार्टी का उद्देश्य यही है। मैं 80 नंबर वार्ड के पार्षद विनोद यादव, हर साल हम लोग रमजान के पवित्र अवसर पर यहाँ हम लोग इस तरह का अवतारी पार्टी का प्रोग्राम करते हैं ताकि शिल्पांचल के सभी लोग हम लोग आए, एक दूसरे के साथ मिले जुले, और इस पवित्र अवसर पर भाईचारा का पैगाम हमारा जो है उसको हम सदा बरकरार रखें और एक दूसरे के साथ मिल करके ईद पर्व को धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, यही कामना हम लोग करते हैं। तकरीबन कितने लोग शामिल होते हैं? हमारे 200-250 लोग होते हैं, जो हमारे करीमनगर के जितने लोग हैं 200-250-300 लोग हो जाते हैं। सबको हम लोग मनाते हैं, ये हर साल हम लोग मनाते हैं। जब मैं 2015 में जीता था तब से चला आ रहा है। वक्त चला है से वक्फे का। रिकी एंड ब्रदर्स वुमेन फर्स्ट चॉइस। शादी ब्याह की खरीदारी हो या ईद का मौका, रिकी एंड ब्रदर्स हर पल है आपके साथ। जहां एक तरफ लेडीज के लिए फैंसी सलवार सूट, कॉटन सूट, फ्रॉक सूट,
प्लाजो, चंदेरी जैसी फैंसी ड्रेसेस हैं। वहीं जेंट्स के लिए खान ड्रेसेस और कुर्ता जैसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। हमारा पता है विकी एंड ब्रदर्स, डेली मार्केट बर्नपुर। इंसान की पहचान उसके घर से होती है और घर की पहचान उसके दरो दीवार से। दीवारों की पहचान तो रंगों से ही होती है। रंगों का दूसरा नाम है टेकमी पेंट। जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए टेकमी पेंट का ही इस्तेमाल करें। SRP इंडस्ट्री का टेकमी पेंट। सिंथेटिक फर्नीचर, डिस्टेम्पर, हर तरह के पेंट के लिए टेकमी पेंट। आज ही रब्ता करें 8017293479 कोलकाता। आसनसोल जिला अस्पताल के नौतामी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मकामी बेरोजगार नौजवान को बहाल करने के मुतालबे पर आसपास के नौजवान ने अस्पताल इंतजामिया को अर्जदाश्त सौंपी। तहरीक में शामिल लोगों का कहना है कि जहां कहीं भी इस तरह का अस्पताल कायम हुआ है वहां बहाली के मामले में मकामी नौजवानों को तरजीह दी गई है। आसनसोल जिला अस्पताल में भी ऐसा ही करना पड़ेगा। এর আগে যখন রোগী কল্যাণ সমিতির মিটিং হয়েছিল তখনও কিন্তু আমরা এই দাবিকে নিয়ে এসেছিলাম যে লোকাল ছেলে মেয়েদের চাকরি দেওয়া হোক। সেখানে অফিসিয়ালি না হলেও মৌখিকভাবে এবং নীতিগত সমর্থন করেছিলেন আমাদের এই অঞ্চলের মন্ত্রী এবং আমাদের আসানসোলের মেয়র সাহেব যে না, এদের চাকরি পাওয়ার যোগ্য। কারণ ওনারাও এই কথাটাই বলেছিলেন যে আজকে হসপিটাল তৈরি হয়েছে আমাদের যে আগুড়ি সম্প্রদায় এই আবানে আগুড়ি সম্প্রদায়ের জমি তারা দান করেছিল বলেই এই হসপিটালটা তৈরি হয়েছে। অতএব মন্ত্রী সাহেবই হোক চাই আমাদের মেয়র সাহেবই হোক তারা নৈতিক সমর্থনটা করেছিল, নীতিগত সমর্থনটা করেছিল। হয়তো তাদের অফিসিয়ালি ক্ষেত্রে সমর্থন করার ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে প্রশাসনিক চেয়ারে বসে থাকার জন্যই, কিন্তু আমার এটাই আপনারা কোট করবেন যে মন্ত্রী সাহেব এবং মেয়র সাহেব আমরা যখন এই ব্যাপারটা বলেছিলাম তারা কিন্তু অলরেডি ফরওয়ার্ডও করেছিল, আমরা যে এটা দাবিটা করেছিলাম তারা নীতিগত সমর্থন করেছিল। এবং আমার মনে হয় একটা চিঠি আমাদের সই করা চিঠি আছে, ফরওয়ার্ড করা আছে, যদি আপনারা দেখতে চান আমরা দেখিয়ে দিতে পারি। এদের বক্তব্যটা হচ্ছে গিয়ে যে সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে যে নানারকম ক্যাটাগরি গ্রুপ ডি, ওয়ার্ড বয়, ওয়ার্ড গার্ল যেগুলো নেওয়া হচ্ছে সেগুলো বাইরের থেকে নিয়োগ হচ্ছে, অথচ স্থানীয় ছেলে মেয়েদেরকে নেওয়া হচ্ছে না, ওদের দাবিটা জানাতে এসেছে। আমি বললাম যে এখানে আমার তো কিছু করার নেই, ওদের একটা এজেন্সি আছে SIS বলে, তারা ওখানকার লোক দেবে। এবার হচ্ছে আমার কাছে তো ওগুলো আসে না, এবার এজেন্সি কাকে লোক দেবে না দেবে সেই জায়গায় তো সুপার ভূমিকা কিছু থাকছে না। তবু যেহেতু ওরা দাবিটা জানিয়েছে আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো। ওনারা আরও একটা দাবি রেখেছে যে রোগী কল্যাণ সমিতির মিটিং যখন হবে তখন যাতে এইটাকে ওইখানে উত্থাপন করা হয় এই চিঠিটাকে, তো সেটাও আমি কথা দিয়েছি যে রোগী কল্যাণ সমিতির মিটিং হলে পরে আমরা এই চিঠিটা ওইখানে প্লেস করবো চেয়ারম্যানের সামনে বা হাউসের সামনে, এবং হচ্ছে আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এই দাবিটা জানিয়ে দেবো। খবর আসানসোল উর্দু স্পন্সার্ড বাই টেকমি পেন্ট। খবর আসানসোল উর্দু স্পন্সার্ড বাই রিকি এন্ড ব্রাদার্স। यहीं तक, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।